स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पामा आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज की इस चर्चा की कड़ी में हमारे साथ है रमेश भंगे जी, जो जाने माने कवि भी हैं, उनकी कविताएं सुनी जाती है, तमाम जो जन आंदोलन होते हैं उनमें उनकी भागीदारी बढ़ चढ़ कर हमें दिखाई देती है। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे उन्हीं की जुबानी। रमेश जी आपका बहुत 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 स्वागत है। सर आपसे मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि समय का हमारे पास बहुत आभार है, ब्रॉडकास्टिंग का आधा घंटा हमारे पास है। आधा घंटा की चर्चा में मैं आपसे सर मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहती हूँ। उससे पहले कि मैं चर्चा करूँ, आप मुझे अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए जी। देखिए मेरा जन्म जो है वो जिला बागपत में गांव मलकपुर में हुआ 1958 में जी, और मेरी 5वीं क्लास तक की शिक्षा जो है गांव में ही हुई है, और 10वीं 12वीं तक की कक्षा जो शिक्षा है वो बड़ौत में हुई, तहसील बड़ौत में। उसके बाद जो है बाकी जो है मैंने प्राइवेट किया दिल्ली में आने के बाद। जी जी, आपकी हायर एजुकेशन क्या है सर? ये हायर एजुकेशन मेरी LLM है जी, MA हिंदी, MA सोशियोलॉजी, MA एजुकेशन, MA डिस्टेंस एजुकेशन, MA हिस्ट्री। बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी की। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो नाम का जो शीर्षक है रमेश भंगे, इसका क्या राज है? जी इसका इसका ये राज कुछ भी नहीं है, एक बहुत सिंपल सी बात है। भारत में ना जो किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है जात से ही होती है। अभी मैं पिछले एक दो हफ्ते पहले इधर मेरठ में गया था, तो हमारे एक दोस्त थे वो जो रिटायर हो गए थे, तो मैं उन्हें वहां पूछने लग गया, भाई फला नाम का आदमी जो यहाँ रहता है क्या? तो उसने सीधे सीधे बोला पहले जात बताओ कौन सी जात का है, ऐसे तो यहाँ ढूंढ नहीं पाओगे। तो भारत में जो पहचान है व्यक्ति की वो जात से ही है, आपकी क्वालिफिकेशन से नहीं है, आपके पद से नहीं है, आप MP MLA कुछ भी बन जाओ, आपकी जात के बिना आपकी पहचान है ही नहीं। तो मैंने ये अंतिम वाला जो सवाल है जो पहले पूछते कि आप जैसे आप कुमार नाम रख लेंगे, रमेश कुमार, रमेश चंद्र रख लेंगे, तो उसके बाद पूछेंगे आपका सरनेम क्या है, उसके बाद एक के बाद एक सवाल पूछते जाएंगे, जब तक आप जात तक नहीं पहुंचते तब तक वो सरनेम पूछने का रहते हैं। सरनेम पूछने का अभिप्राय भी कहीं ना कहीं जात से जुड़ा हुआ है कि आपको आपकी जात जानना चाहते हैं सरनेम के बाद। जी 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 जी, तो मैंने उसी अंतिम सवाल को अपने तरफ से उसको समाप्त कर दिया मैंने, ताकि सामने वाले के प्रश्न ही समाप्त हो जाए। और एक दूसरी बात है कि वो हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब एक ब्राह्मण ब्राह्मण कहने पे गर्व करता है, शर्मा कहने पे गर्व करता है, कोई भी करता है, तो हमें क्या हर्ज है? मैं क्यों ना करूं, ये गर्व ना भी करें तब भी मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तो सिंपल सी बात है कि जाति ही कोई मैंने अपनी पहचान बना लिया, ठीक है भैया मेरी जाति मेरी पहचान है, अब बताओ अब क्या करोगे आप? वो बार बार की बातचीत एक तरह से उनका खत्म ही हो जाए, इसलिए आपने सीधा नाम के आगे रख लिया। मैं सर नाम से ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि भंगे का इतिहास क्या है एक तरह से, इसका हिस्टोरिकल क्या कुछ कोई एविडेंस है, या एक तरह से जो बाद के खासकर स्वच्छकार जो जातियां हैं उनमें जैसे एक चलन चला कि वाल्मीकि शब्द उन्होंने यूज करना शुरू किया, उससे पहले अलग अलग इलाकों में कहीं चूड़ा कहीं महत्र कभी एला कभी बासफोड़, तमाम ऐसी स्वच्छकार जो जातियां थी उन्होंने अपनी अपनी जाति का नाम दिया। ये भंगे जो शब्द है इसकी क्या कोई ऐतिहासिक रेलिवेंट है, कोई ऐसा प्रसंग संदर्भ हमें मिलता है? जी जहां जो मेरी समझ बनी है वो ये बनी है कि हमारी जो जाति है इस सफाई पेशा स्कैवेंजर जो है ना, इसके अलग अलग देश पूरे भारत में अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन जो भंगी शब्द है ये जो है ये साहित्य में भी मिलता है और हमारी कॉमन पहचान है। इसे अगर आप हेला नाम लेंगे तो दूसरे स्टेट का या उत्तर प्रदेश में दूसरे उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे इलाके में क्षेत्र में जाएंगे वो कहेगा कि हेला क्या होता है, लेकिन जब आप भंगी शब्द बोलते हैं तो आपकी नेशनल पहचान हो जाती है, आपको ज्यादा सवाल पे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसको साहित्य में भी
भंगी नाम मिलेगा आपको। और हाँ, इसके पीछे आपने अच्छा याद दिलाया, जो भंगी नाम अपनाने के पीछे ना एक बहुत बड़ी बात ये थी कि 1931 में जो जनगणना हुई जे एच हटन के उसमें हुई थी, उसी किताब है मेरे पास जे एच हटन की, 1931 में जनगणना हुई, पंजाब के चूड़ों ने पहली बार अपना पंथ जो है वो वाल्मीकि लिखवाया था, धर्म नहीं लिखवाया था, जात नहीं लिखवाई थी, अपना पंथ लिखवाया था, जैसे कि कबीर पंथी है और नाथ पंथी है, दूसरे कोई भी पंथ वाले हो सकते हैं, तो उन्होंने ये पंथ अपना लिखवाया था। तो ऐसी तो मेरे सामने ये था कि अगर भविष्य में कभी हमारे समाज के बच्चे कभी आगे रिसर्च करेंगे, कभी सोचने लगे कि भाई हमारे वंशावली या हमारे सोसाइटी की क्या इतिहास रहा है, तो अगर वो वाल्मीकि के नाम से अध्ययन करना शुरू करेंगे तो ये 1931 में जाके समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम वो जाएंगे तो इसको पीछे जब इतिहास खंगालेंगे तो 1931 में जाके फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे समाज का 1931 से पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो मेरे मुख्य कारण तो यही है कि अपने सोसाइटी का, अपने समाज का इतिहास जो है वो नष्ट ना हो जाए, मैं इस वजह से भी इसको अपने रखना चाहता हूँ। वाल्मीकि के बोलने से हमारा इतिहास 1931 में फुल स्टॉप लग जाएगा, ये मुख्य कारण है। सर एक बात और बताइए कि जैसे वाल्मीकि समाज हुआ, भंगी समाज हुआ या स्वच्छकार समाज के जितने भी जातियां हैं, खासकर भंगी शब्द यूज करने से एक अलग तरह का हिकारत जैसा भाव एक नजर आता है। वाल्मीकि शब्द यूज करने से भी आपको एक सौंदर्यकरण तो जरूर नजर आता है उसमें, लेकिन जब चूड़ा प्रयोग करेंगे वो गाली की तरह एक नजर आता है। ये क्या, इसमें क्या क्या सोचते हैं इस तरीके के शब्दों के माध्यम से? देखिए, सौंदर्यकरण तो ये हम अपने लिए करते हैं, हम अपनी अपने संतुष्टि के लिए यूज कर रहे हैं ना, ताकि मुझे अच्छा लगे। लेकिन जब आपकी पीठ पीछे, वो सामने वाला तो जानता है कि जो वाल्मीकि ये तो भंगी है, ये तो चूड़ा ही तो है। आप जैसे ही पीठ पीछे घूमते हो तो वो जैसे ही कह के वो चूड़ा है, एकदम चूड़ा जा रहा है, भंगी है, अपने आप को वाल्मीकि कहता है। तो ये जो चीज है, ये हम जो चीज कर, जो हम लत्ते कपड़े पहनते हैं, हम दूसरे को दिखाने के लिए पहनते हैं, हमने वाल्मीकि दूसरे को शो करने के लिए रखा है ताकि वो हमें अच्छा समझे, लेकिन वो तो अच्छा समझ ही नहीं रहा है। जब वो अच्छा समझ ही नहीं रहा है तो हम इसमें अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करें, हम ये आवरण क्यों पहने। मैं तो काला कौवा हूं, आप हंस हैं जो अपर कास्ट के, भाई आपको मुझे एक्सेप्ट करना है तो मुझे एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट मी एज आई एम, मैं आपके लिए तामझाम क्यों करूं, मैं ज्यादा अपने अच्छे कपड़े क्यों, भाई मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं आपकी नजर में अच्छा बनने के लिए, आपकी नजर में ऊंचा कुछ प्राप्त करने के लिए क्यों अपने एनर्जी को ऊर्जा नष्ट करूं, आपको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। तो ये है कि इसमें ना हमारी ऊर्जा बचती है, अपनी एनर्जी बचती है, अपना हमारा सारी चीजें बच जाती है इसमें। सर एक चीज और बताइए, स्वच्छकार समाज की जातियों का वाल्मीकि ऋषि से क्या संबंध है? देखिए, ये तो बिल्कुल भी कुछ भी कोई भी संबंध नहीं है। इसमें जो अपने रांची विश्वविद्यालय के थे ना, अपने क्या नाम था उनका, फादर कामिल बुलके ने रामकथा नाम की पीएचडी की है, रामकथा पे उन्होंने जितनी रामायण थी भारत में भी और विदेशों में भी जितनी रामायण थी उन पर सब पे अध्ययन किया है, और उन्होंने साफ साफ लिखा है अपनी इंट्रोडक्शन में, लिखा है प्रस्तावना में कि जो भंगी जातियां हैं उनका वाल्मीकि जयंती जो मनाते हैं इसका कोई संबंध, इसका लेना देना नहीं है। तो ये तो फादर कामिल बुलके ने भी लिखा है और सभी लोग जानते हैं कि वाल्मीकि जातियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि वाल्मीकि जातियों ने, उन्होंने सोचा कि आप हमारा तो कोई ऋषि मुनि है नहीं, चमारों के लिए रैदास हो गया कि दूसरे जुलाहों के लिए कबीरदास हो गए, तो वाल्मीकि जो हमारे भंगी समाज है इनके लिए कोई ऋषि मुनि था, या तो इन्होंने अमीचंद जी ने इन्हें पकड़ा दिया 1925 से 1920 के दशक में, या फिर इन्होंने खुद ही किसी के आपस में चर्चा करके, कोई कहता 1925 में हमने पकड़ा अपना लिया था वाल्मीकि,
तो इन्होंने वाल्मीकि, इन्होंने भी सोचा कि भाई चलो हमारे भी कोई ना कोई एक अच्छा सा पूर्वज होना चाहिए, सुंदर सा पूर्वज होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, तो इन्होंने ये पकड़ लिया। बाकी इसका रिलेशन तो कुछ भी नहीं है और न इसे स्थापित किया जा सकता है। जी, मैं सर ये भी जानना चाहती हूँ कि एक एक विचार, एक एक तरह से जो मानने वालों का जो एक वर्ग है वाल्मीकि जाति में या तमाम स्वच्छकार समाज की जातियों में, वो ये कि वाल्मीकि जाति, ये मेरा भी लगभग मुझे भी लगता है ऐसा कि वाल्मीकि जाति में अगर वाल्मीकि ऋषि पैदा नहीं हुए या नहीं थे, तो जब रामायण के घर घर में रखा जाता है, जो दलित जातियां हैं या गैर दलित जातियां हैं, तमाम जो अपर कास्ट है वो भी रामायण को तो वो पढ़ता है, रामायण को पवित्र ग्रंथ भी मानता है, उसका तमाम चैनल्स में भी आजकल हम रामायण को देख रहे हैं, लेकिन वो वाल्मीकि ऋषि के ऊपर कभी चर्चा नहीं करता। और आपने देखा होगा कि जब से पैदा हुई हूँ, मैंने लगभग अपनी आंखों से भी देखा है कि जब भी वाल्मीकि जयंती आती है, तो उस वाल्मीकि जयंती को जो सेलिब्रेट करते हैं, जो मनाते हैं अपने घरों में या तमाम जितने मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में वाल्मीकि मंदिर वाल्मीकियों के लिए है, स्वच्छकार समाज ही वाल्मीकि जयंती मनाता है। अप्रकाश, कभी आपने वाल्मीकि जयंती मनाते हुए नहीं देखा होगा। इससे तो सर हमें कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि कम से कम वाल्मीकि जो थे, वो जो वर्ण व्यवस्था थी या जो जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, उससे बाहर का कोई व्यक्ति रहा होगा, जिसकी वजह से वाल्मीकि जयंती को वाल्मीकि लोग ही मनाते हैं, अप्रकाश वाल्मीकि को नहीं मानते। कहीं भी आपने किसी भी मंदिर में, जितने भी उच्च जातियों के मंदिर हैं या उच्च जातियों के ना भी हो, वाल्मीकि मंदिर के अलावा जितने भी मंदिर भारत में हैं, उसमें कहीं भी आपको वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि ऋषि की मूर्ति कहीं आपको नजर नहीं आएगी। मेरा एक और सवाल आपसे मिलता जुलता है, वो ये कि वाल्मीकि मंदिर में भी जहां जहां वाल्मीकि की तस्वीर है, वहां वहां पर आपने देखा होगा बड़े ध्यान से, हमारे यहाँ पंचकुया मंदिर में जो वाल्मीकि ऋषि की बहुत बड़ी तस्वीर है, वहां पर भी एक लाइन लिखी रहती है, कोटेशन, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल साफ साफ है ये संस्कृत का श्लोक नहीं है, रामायण का कोई भी श्लोक इसके अंदर नहीं है, वो रामचरितमानस का है, जो अप्रकाश का व्यक्ति रहा, तुलसीदास पंडित था, लेकिन तुलसीदास की कोटेशन जो अवधि भाषा में लिखा हुआ रामचरितमानस, वो वहां पर तस्वीरों में लिखा होता है, कहीं भी संस्कृत टेक्स्ट का उस मूर्ति में भी वर्णन नहीं होता। जबकि वाल्मीकि की ऋषि की फोटो वाल्मीकि ऋषि की होती है, पंचकुया मंदिर में आप जाके देख लीजिए, ये मेरा नहीं है वर्डिंग, बल्कि तमाम मंदिरों में जहां जहां फोटो घरों में दिखाई देगी वाल्मीकि जाति की, वाल्मीकि ऋषि के, वाल्मीकि जातियों में, स्वच्छकार समाज की जातियों में आपको वाल्मीकि ऋषि की तस्वीर दिखाई देगी, नीचे रघुकुल रीत सदा चले आई रामचरितमानस की दिखाई देगी। ठीक उसी तरह तमाम जितने भी ग्रंथ रामायण के, जितने भी उपजीव्य काव्य हुए, वो रामचरितमानस को लेकर ज्यादा लिखे गए, वाल्मीकि ऋषि का नाम वहां पर नदारित है। तमाम विदेशों में भी जितनी भी रिसर्च हुई है, उन रिसर्च में भी कहीं भी वाल्मीकि ऋषि के ऊपर चर्चा नहीं होती, सिवाय इस बात के कि कई जगह टेक्स्ट में, अध्यात्म रामायण में भी, मुझे लगता है शायद अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन होगा, तमाम जितनी भी रामायण में उसमें ये नजर आता है कि ये पंच चातुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर के ऋषि होंगे। तो ये बात तो एकदम सोचनीय नहीं है कि वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि लोग मनाते हैं, अब प्रकाश क्यों नहीं मनाता उसका? हो सकता है इसमें कहीं ना कोई कोई पेंच हो, आप क्या लगता है आपको इसमें? जी नहीं, इसमें कोई भी पेच नहीं है। जब से हमने वाल्मीकि जयंती मनाना शुरू कर दिया है, तब से ये अलग हो गए। नहीं, चूंकि हमने जैसे ही इसको मनाना शुरू किया, तो अपने आप को अलग कैसे करेंगे फिर वो? अगर वो नहीं, तो फिर वो हमको अपने आप में उन्हें मिक्स करना पड़ेगा, वो हमें मिक्स करना ही नहीं चाहते। देखिए, रामचरितमानस जो है वाल्मीकि रामायण की तुलना में 1/20 क्या 1/50 भी नहीं है। अगर टोटल टेक्स्ट उसका देखा जाए, तो वो टेक्स्ट जो है 1/50 भी नहीं है वाल्मीकि रामायण का। तो जब रामायण नाम हम लेते हैं, तो वो समझते हैं रामचरितमानस, लेकिन रामचरितमानस एक अलग चीज है और रामायण एक अलग चीज है।
तो राम राम रामायण में तो राम जी मांस भी खाते हैं, और इसमें बौद्ध 109 जो है, सर्ग 109 में, अयोध्या कांड के सर्ग 109 में 34वां पद में उसमें कहा कि बौद्ध जो है वो बौद्ध और नास्तिक जो है वो चोर के समान है, या उनका कुछ करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो हाल ही की लिखी हुई है, ये किताब में ऐसा है। अब ये कहते हैं कि भाई हजारों साल पुरानी संवेदनशील, लिखी हुई बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत संवेदनशील विषय है, इसमें बहुत है ना, ज्यादा, संवेदनशील विषय है। तो ये बिल्कुल जी जी आस्था से जुड़ा हुआ भी है कहीं ना लेकिन कहीं। हमारी जी देखिए हमारी भंगी कार से वाल्मीकि का लेना देना है ना रामायण का, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहते थे कि भाई हमें भी कोई ऋषि मिल जाए, जी ताकि हम भी दूसरों की तरह हम भी कोई एक आयोजन करना शुरू कर दें, जी हमें भी एक अच्छा लगता है। बस ये मेरा तो यही मानना है कि हमने सिर्फ इसीलिए इसे अपना लिया ताकि भाई हम भी कुछ आयोजन कर सके और खुशी मना सके। जी अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके क्या अनुभव रहे हैं इस जाति में पैदा होने के बाद, क्या आपको क्या नजर आता है, जो जो औरों में जो नजर आता है वो हमें अलग तरह से नजर आता है, या हमारा बिल्कुल अपना बिल्कुल मनोविज्ञान कैसे काम करता है, आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव इसमें क्या कहता है। जी जी, जी कोई ऐसा देखिए संदर्भ आप चर्चा करना व्यक्तिगत चाहेंगे। अनुभव, हाँ जी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको समेटने की कोशिश करूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बड़ा कैनवस पे फैला हुआ चीज है। जी देखिए ये तो हमने बचपन से ही झेला हुआ है, बचपन से लेके अभी तक भी हम इसको फेस करते आ रहे हैं। छठी क्लास में एक हिंदी का टीचर था, तो जब वो कहीं बनारस बनारस से आया था, तो जब उसका सफाई करने का वो काम मिला, अपना लेटरिन वेटरिन किए भाई, अपना घर उसने शिफ्ट किया हमारे बड़ौत में, तो उसने हमसे साफ करवाया। उसे पता था कि भाई ये भंगी है, तो हम और हमने भी साफ कर दिया, हमें इतना वो नहीं था। हम अपनी क्लास में प्राइमरी स्कूल में भी हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाते थे, ठीक है। तो लेकिन जैन स्कूल में हमें, इंटर कॉलेज में पढ़ाई करी, वहां हमें ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। वह एक फिजिक्स का टीचर था जो गालियां बक के हमें पढ़ाता था। हमारा तो फिजिक्स से पीसीएम सब्जेक्ट था मेरा 12th में, तो उसमें जो है मैं 2 बार फेल हो गया। तो ये तो हमें कदम कदम पे फेस करना ही पड़ता है, हर जगह फेस करना पड़ता है। और अभी हाल का अनुभव तो ये है कि मैं भारत सरकार में आया 1993 में, उससे पहले मैं बस कंडक्टर था, उसमें भी झेलना पड़ा। लेकिन यहाँ देखिए मैं 1993 से भारत सरकार में रहा, और 1999 से 2018 तक रिटायर होने तक 19 साल तक एक ही दफ्तर में रहा। प्रमोशन 2005 से जो है नहीं प्रमोशन किया। एक लड़का एसटी है, वो 23 साल से ट्रांसलेटर रह गया, उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ। दफ्तरों तक में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इतना भारी भरकम, ये जो छुआछूत हीज कहिए इसको, इतना सामना करना पड़ता है, बड़ा जबरदस्त सामना करना पड़ता है हमें। और ये तो हमारा कौन वो कहिए कि हम लोग मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, बहुत मुश्किल है, इतना भयानक जातिवाद है। और हम जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे हैं, तो जातिवाद का सबसे ज्यादा जो दंश है वो हमें ही झेलना पड़ता है, जिसका जो है बहुत कहना चाहने के लिए इस छोटी चर्चा में इसका वर्णन करना संभव नहीं है, इतनी ज्यादा मतलब हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। तमाम जो स्वच्छकार समाज की जातियां हैं, उन जातियों को कैसे दलित जातियों के साथ एक तरह से जोड़ा जा सकता है? हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं दलितों के अंदर भी जो जातिवाद बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई भी कारण हो, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक भी है, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी एक लेवल नीचे है ही, ये आंकड़े बताते हैं। और अगर पूरा यूनिवर्सिटीज का और तमाम शैक्षिक जगत का आंकड़ा उठा के देख लिया जाए तो रिप्रेजेंटेशन जो है दलितों में भी, एससी जातियों में, एससी में भी
वो वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आप इसको कैसे देखते हैं सर, कैसे इनका उत्थान हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए ये सही है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन तो पॉइंट के बाद कुछ होगा, मतलब पॉइंट जीरो लगाइए या पॉइंट वन या कुछ इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए असल में क्या है, जैसे मेरा नाम रमेश है, आपका नाम कौशल है या किसी का भी नाम है, जाति को हमें एक संज्ञा से समझना चाहिए। ये संज्ञा तक ही अगर हम सीमित रखें ना, असल में क्या है ना, हम इसमें गुण ढूंढने लगते हैं कि फला जात का है तो इसमें ये ऐसे गुण धर्म होंगे, उसके फला फला गुण धर्म होंगे, तो ये ऊंच नीच का भाव इस वजह से आता है। अगर हम ये समझ लें कि ये तो नाम भर है, तो फिर हम इंसानियत की बात करेंगे। जातियां हैं 6,000, 7,000, 8,000 जातियां हैं, तो हम इसे एक संज्ञा के रूप में जिस दिन अगर हम मान लेंगे तो फिर हमें इंसानियत हम समझना चाहिए, ये भी इंसान है। लेकिन अब हम उसे व्यक्ति को जात समझते हैं और जात में भी एक विशेष गुण धर्म वाला समझते हैं। जब तक हमें व्यक्ति को एक इंसान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, जातियों में जब हम गुण धर्म को इम्पोज करते रहेंगे, इंजेक्ट करते रहेंगे जाति का, जाति के अंदर जाति के गुण धर्म को, तब तक ये हम एक दूसरे से ऊंच नीच का भाव जाने वाला नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं जगेगी तब तक हम एक दूसरे को कैसे कैसे हम स्वीकार नहीं करेंगे एक दूसरे को। हम हमारे अंदर सबके अंदर श्रेष्ठता का भाव बसा हुआ है, हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, तो जब तक श्रेष्ठता की भावना दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना बनी रहेगी तब तक तो बहुत मुश्किल है। ऐसे इस तरह से सिर्फ ये हम हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। जी सर, कोई ऐसा अनुभव आपने अपने लाइफ का, अभी तक की लाइफ का, जो बहुत ज्यादा आपको उद्वेलित करता हो, या एक होता ना कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देखते हैं, एक रमेश भंगी होने के नाते कोई ऐसा संदर्भ आप शेयर करना चाहेंगे सर हमारे साथ? संदर्भ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो मुझे याद आ रहा है, मुझे याद यही आ रहा है, वो अपने संदर्भ में मुझे याद आ रहा है कि हम जो है शुरुआत जो है ना स्वयं से करनी पड़ेगी हमें, आपको कोई बाहर से बदलाव करने वाला नहीं है। अब मुझे सबसे पहला जो संदर्भ है मेरा शादी के वक्त का मैं बता देता हूँ अपना, जैसे कि मैं अपने पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि शुरुआत जो है वो हमें अपने घर से, घर के अंदर से ही करनी पड़ेगी। वाकया ये है कि मेरी शादी तय हो गई, तो हमारे पिताजी जो थे वो चाहते थे कि भाई मेहंदी वेहंदी लगे और ये करे और कुछ करे, लेकिन पैसा तो था ही नहीं। मैं तो कागज का काम करता, कागज बीनने का काम कर रहा था, तो मैं 300 रुपये लेके चला गया दिल्ली से गांव, शादी मुझे 300 रुपये में ही करनी थी। तो हमारे पिताजी जो है वो एक घोड़ी वाले को पकड़ लाए, शादियों का सीजन था, तो वो 20 रुपये में उन्होंने तय कर लिया। तो मैंने कहा जब भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हमें घोड़ी पे चढ़ने की क्या जरूरत है, तो मैंने उसे 5 रुपये देके उसे टरका दिया। तो इन मैंने अपनी शादी में मैंने किसी को चाय नहीं पिलाई, मैंने 300 रुपये के अंदर अपनी शादी में 300 रुपये में से भी बचा लिए, कोई पैसा खर्च नहीं किया। शादी किस सन? ये 79 79 की बात है, 1979 9th ऑफ मे, परसों मेरी शादी की सालगिरह थी। बहुत बढ़िया सर, आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हाँ थैंक यू। तो मैंने तो उसमें क्या हुआ, कोई मेहंदी रचाई, घर में सब नाराज, सब कुछ नाराज, थानना है, परिवर्तन करना है, हमें स्वयं करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि मेरी पिताजी जो है वो, जब मैंने उस घोड़ी वाले को 5 रुपये देकर टरका के फेंक दिया तो वो तो नाराज हो गए, तो वो नाराज हो गए अपना बैठ गए। मैंने कहा हमारे बाबा बोलते हैं हमारे यहाँ तो दादा को, है ना जी, तो हमने कहा कि बाबा हम के चल, हम दोनों चलते, बस आप ये समझिए कि मलकपुर से बड़ौद की 3 किलोमीटर की दूरी है, हम तांगे में बैठ के, मैं बाबा हम लोग और बारात में, हम लोग थे मुश्किल से 12-13 लोग थे, हम लोग चले गए बैठ के, हमने अपने पिताजी को पीछे छोड़ दिया, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आए। देखिए आपको कठोरता से बनना पड़ता है, अपनी ये जो परंपराओं की बेड़ियों को निर्ममता से काटना पड़ेगा, ये जो
मोह माया कह दीजिए, जो परिवार की जो चीज है, आपको बड़ी कठोरता से काम लेना पड़ेगा। और मेरे पिताजी मेरे पीछे पीछे आए, हमारी शादी में फेरे नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं 41 साल हो गए रहते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो उन्होंने घड़ी साइकिल, उन जमाने में घड़ी साइकिल रेडियो का रिवाज था, और मैं भी देखिए मैं इतना गरीब था उस जमाने में कि मेरे पैंट और कमीज जी, मेरा पैंट और कमीज का कपड़ा मेरे ससुर ने मेरे घर पे भेजा था। तो जब मेरे अंदर इतनी गरीबी थी तो मैं कर्जा लेके शादी नहीं करना चाहता था, मैंने कर्जा लेके शादी नहीं की, और आज भी हम सही सलामत है। तो कहते भाई ये एक यादगार मुझे अभी याद आ रहा था, चूंकि शादी परसों ही शादी की सालगिरह भी थी। बहुत अच्छा अनुभव आपने बताया, मैं जस्ट एक छोटा सा अपना अनुभव करके फिर आज चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। आपने 79 में शादी की, मैंने 2002 में शादी की। मेरी बारात में 16 बाराती थे और 10,000 रुपए में मेरी शादी हो गई थी। मेरा भी वही हाल था, ना कोई लहंगा चुन्नी जो होता है, कुछ श्रृंगार ब्यूटी पार्लर प्लान डिगड़ा कुछ नहीं। शादी से एक दिन पहले मैं पहुंची थी अपने घर, एग्जाम देके आई थी, डीएड का एग्जाम चल रहा था मेरा, एग्जाम देके शादी करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जबकि मेरी वो अपनी पसंद की शादी थी, तब भी मैंने अपनी एजुकेशन को बीच में मतलब किसी की चीज के साथ समझौता नहीं किया, अपने जीवन साथी के साथ भी नहीं, पढ़ाई सबसे ऊपर, मतलब मेरी अपनी ही पसंद के लड़के के साथ शादी हो रही थी, तब भी मैं एक दिन पहले ही पहुंची थी शादी की। एक रात जैसे जिस दिन लेके जाते होते हैं उसे एक दिन अपने ससुराल में रही, तीसरे दिन मैं फिर अपने पेपर देने चली गई, पेपर था मेरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब 16 बाराती 10,000 रुपए में शादी होगी। और मेरे चाचा जो थे, मतलब मेरे पिताजी, मेरे चाचा का डेथ हो चुकी थी और मेरे अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ था आपकी तरह ही, कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है शादी में खर्च करने के लिए तो मैं 1 रुपया भी कर्ज लेके शादी में खर्च नहीं करने दूंगी, मेरे पास हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें ही शादी होगी। और हमने वही किया। आप देखिए कि मैं सिर्फ 2 सूट मैंने सिलवाए थे, 2 साड़ियां 2 सूट थी। जब मैं ससुराल गई, मुकेश मेरे हस्बैंड, हम सिर्फ वो जो सूट लेके आए थे मेरे लिए, जो लहंगा चुन्नी लेके आए थे, वो हालांकि वो थोड़े से मेरे से अच्छी कंडीशन में थे, उनके फादर जॉब में थे, तो वो जो मेरे लिए लेके आए थे वही मैं पहन के गई थी। और इसके अलावा बस मिठाई की डलड़ी जो होती है वो जरूर लेके मैं गई थी ससुराल में, बस ये मेरे साथ मेरा था। और तमाम ऐसी चीजों को हमने भी विरोध किया। मेरे ख्याल से परंपराएं टूटती हैं तो हमें दिल भी तोड़ने पड़ते हैं बहुत सारी चीजों के। लेकिन मुझे फक्र इस बात का है कि हमने, क्योंकि एजुकेशन भी ली हुई थी और एक चेतना भी आ चुकी थी, हालांकि चेतना का स्तर ये नहीं था कि शादी किसी और तरीके से हो, जो उस वक्त की जो चेतना थी, हमने बाकायदा समाज में शादी की थी बिना किसी, कोई पंडित वंडित नहीं था, अपना घर का ही पंडित, हमारे यहाँ कोई चलन है नहीं, हमारे यहाँ तो एक जना परिवार का ही बैठ जाता है, वही वो 2-3 चीजें बोल देता है उसी से शादी हो जाती है हमारे यहाँ। हाँ, ऐसे ही होता है हमारे बस। तो इसमें हमारे यहाँ इसको आप हिंदू धर्म की शादी लगा लिए या जो मर्जी लगा लीजिए, लेकिन ऑन पेपर तो क्योंकि मैं हिंदू ही हूँ, मेरी शादी एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में ही हुई है, समाज में हुई। हमारे यहाँ कोई ऐसा लपड़म पपड़म कुछ भी नहीं होता, सीधी होती है शादी, उसको उसका क्या कहाँ से कल्चर है ये नहीं मैं जानती। हमारे यहाँ लंबे चौड़े मंत्र हो या कोई दक्षिणा दी जाए या कोई और कुछ नहीं, सिंपल घर का परिवार का ही एक आदमी बैठा था, हमारे जानकार जो थे उनमें से एक को पकड़ लिया था, बिठा लिया था और कर दिया। ड्राइवर जो था, जो गाड़ी लेके आया था, वो शराब पी के कहीं लेट गया, किसी और को गाड़ी लेके जाके छोड़ के आना पड़ा था। ये अनुभव रहा है। खैर सर, मैं बस अंतिम सवाल के रूप में आपसे ये जानना चाह रही हूँ, इन तमाम चीजों को झेलते हुए आपसे मुझे लगता है बहुत सारी और चीजें जानने की जरूरत है, लेकिन समय सीमा पे हमें बात करनी है। अंतिम रूप से मैं ये जानना चाहती हूँ सर आपसे कि वाल्मीकि स्वच्छकार समाज की दिशा क्या होनी चाहिए आज के पूरे संदर्भ को देखते हुए सर। जी देखिए, सीधी सी बात है कि हम जो भी ये जो अभी जैसे हमने बात की, आपने 10,000 रुपए खर्च किए, मैंने 300 रुपए भी खर्च किए, लेकिन समय का अंतराल बहुत ज्यादा, आज बहुत ज्यादा उस हिसाब से वो तुलनात्मक रूप से वो उतने न्यूनतम भी पर कल्पना से परे है, ये कहा जा सकता है। बराती थे, क्या है, सगाई में आ जाते हैं,
सोना ही बराती थे टोटल। और आप ये मैं हाँ आपको जान के हैरानी होगी, मेरे पास ना कोई वीडियो मेरी शादी की, क्योंकि वीडियो पे पैसे खर्च होने थे, ना कोई फोटोग्राफर बुलाया, मतलब हमारी शादी का तो एविडेंस भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही थे। तो एक बंदा कोई पकड़ के लेके आए थे फेरे होने से थोड़ी देर पहले, कोई मतलब मेरे रिलेटिव में से एक ने कहा कि यार फोटो तो कोई खिंचवा लो, तो एक भाग को पकड़ के लेके आए वही, वो उसको चलाना नहीं आ रहा था, उसने उठा के पहले होती थी रील, रील पकड़ के एक बच्चे ने उसको यूं खींच दिया, वो सारी डैमेज होगी, मतलब कोई एविडेंस नहीं है। जितनी छोटी सी वीडियो बची सी उसमें क्लिक कर लेती हूँ मैं, एक दो फोटो उसमें से निकाली होती है बस। हालांकि अब तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब लीगल मैरिज है हमारी, अभी हुई है अभी 2020 में हमने लीगल मैरिज करवाई है कि हाँ हम लीगल पति पत्नी है, अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया, पहले ये भी नहीं था। जी जी सर सॉरी। तो ये बात है कि हमारे समाज को सबसे पहले तो ये है कि देखिए आदमी एक दिशा में दो दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकता, दो नावों पे एक साथ पैर नहीं रख सकता, इसलिए या तो आप अपनी परंपराओं पे सारा पैसा खर्च कर दो या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन पे कर दो। तो अगर हमें अपने बच्चों के भविष्य को देखना, अपनी पीढ़ियों को देखना है, पैसा तो निर्धारित, पैसा तो गिना चुना है, पैसा तो हमारे पास सीमित है, तो उस पैसे को हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर खर्च करेंगे तो हमारी आगे आने वाली संततियां हमें धन्यवाद देंगी, अदरवाइज तो हम जो है, देखिए मैंने एक दिन पहले वाले में भी बताया था कि हमारे जो हम कढ़ाई बोतल करते हैं, जो हम घर में ये जो तीज त्योहार करते हैं, उनसे कम पैसे में पढ़ाई हो जाती है, पढ़ाई में इतना पैसा खर्च नहीं होता। मसाणी बात कर रहा हूँ, मसाणी दूतनी पाथरी वाली पे जाना और गठजोड़े को जात देना, इन ये तो पैसा खर्च होता है जी, ये तो यही है। एक बार की जात में आप एक बच्चे का एक साल का पढ़ाई का खर्च पूरा हो सकता है, अगर बढ़िया स्कूल में ना पढ़े, सामान्य स्कूल में पढ़ाएंगे, हम सब सामान्य स्कूल में टाट बोरी में पढ़े हुए हैं तो पढ़ सकते हैं। एक बच्चों को देखिए, हाँ मूल बात यह है कि बच्चों को अगर हम अनुकूल वातावरण देंगे, बच्चों को चाहिए तीन चीजें, लव अफेक्शन और सिक्योरिटी, लव अफेक्शन और सिक्योरिटी अगर हम बच्चों को देंगे, अनुकूल वातावरण अगर उन्हें मिल जाएगा, तो 100% आप बच्चों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अनुकूल वातावरण देते नहीं है तो बच्चे परिणाम कहां से देंगे आपको, प्रायोरिटी में हमारी है ही नहीं एजुकेशन। तो जब हम एजुकेशन प्रायोरिटी में रख लेंगे तो वो चीज उधर से कट जाएगी, दो दिशाएं हैं, एक पूजा पाठ वाली एक एजुकेशन वाली, तो वो अपने आप कट जाएगी तो एजुकेशन में चला जाएगा। तो हमें अपने इसको जो है बड़ी अपनी बेड़ियों को, बड़ी परंपरा की बेड़ियों को, अपने देवी देवताओं की, इन चीजों को बड़ी निर्ममता से काटना पड़ेगा। और देखिए ये बहुत ही बढ़िया समय है, 50 दिन हो चुके, 50-51 दिन हो गए, अभी सारे देवी देवता ऐसे क्या कहते हैं भूमिगत हो गए हैं, तो समझिए कि वो हमेशा के लिए भूमिगत कर क्यों नहीं कर देते आप। जी सर मैं आपसे अंतिम बातचीत में ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि क्योंकि आप कवि भी हैं, स्वच्छकार समाज से संबंधित कोई भी ऐसी कविता एक अंतिम रूप से हमें अंतिम के इस पड़ाव में हमें सुनाएं। जी 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 देखिए मैं कविता सुना देता हूं। लगा दो आग इन शास्त्रों में, लगा दो आग इन शास्त्रों में, हग मूत दो इन परंपराओं पर, लगा दो आग इन शास्त्रों में, हग मूत दो इन परंपराओं पर, तुम पंछी हो स्वतंत्र जहां के, ले जाओ जिंदगी को नई राहों पर। रास्ते हैं कई, चुनाव तुम्हारा है, पढ़ना ही होगा कैसा इतिहास तुम्हारा है, ना करो तुम संतोष अपने मन में, बहुत संतोषी है हमारे लोग, ना करो तुम संतोष अपने मन में, और ना लगाओ अंकुश तुम अपनी चाहों पर,
कैसे हैं नियम, कैसे हैं कायदे, सभी में तो हैं उनके फायदे, पढ़ना है हमें बस बाबा साहेब को, पढ़ना है बस हमें बाबा साहेब को, नहीं आना है अब उनकी अफवाहों पर। जूते चलाएंगे चप्पल भी चलाएंगे, उनके हथियारों के सामने हम कलम चलाएंगे, खुलकर मैदान में अब आना ही होगा, नहीं रहा भरोसा अब हमें अपनी आहों पर। कबीरदास जी कहते ना यहा, अब आहों पे भरोसा नहीं रहा। वेद शास्त्र देवी देवता सब कुछ छोड़ो उनके जिम्मे, भाई आप करिए आप जो भी करना है, वेद शास्त्र देवी देवता सब कुछ छोड़ो अब उनके जिम्मे, हम हमारे तर्कों के सामने अब पर्दा नहीं डाल पाओगे तुम। वेद शास्त्र और देवी देवता सब कुछ छोड़ो उनके जिम्मे, हमारे तर्कों के सामने अब पर्दा नहीं डाल पाएंगे वो अपने गुनाहों पर। धन्यवाद, बस इतनी छोटी सी कविता है जी। बहुत बहुत आभार सर, आपको सुना, आपके आपके हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित हुए होंगे, आपके व्यक्तिगत चर्चा की व्यक्तिगत अनुभव थे। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। स्वच्छकार समाज के सभी दर्शकों से मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब आप हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं सुनेंगे। बहुत बहुत आभार सर, जय भीम जय भारत। जय भीम जय भीम।